गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लेख करांगे मन जीते जग जीत। इहदा मीनिंग की है, मन दा मतलब साडा अंदर, ठीक है। जीते मतलब जीत, जग दा की मीनिंग है दुनिया, ठीक है। मन जीते जग जीत, ए जेड़ी तू कह श्री गुरु नानक देव जी दी लिखी हुई बाणी जपजी साहिब दी चों लई गई है, जिसका की मीनिंग है कि जे असी अपने मन नू जीत लिया तो समझो असी सारी दुनिया ते ही जीत हासिल कर ली। इत्थे मन नू जीतण दा मतलब है अपनियां इच्छावां ते काबू पाना, या जदों आपां किसे दूसरे दा मन जीत लैंदे आ तो समझो असी सारी दुनिया ते ही जीत हासिल कर ली। मीनिंग दोबारा बोल रही हां, मन जीते जग जी, जे असी अपने मन नू जीत लिया समझो सारी दुनिया नू जीत लिया, जा जे असी किसे दे मन नू भी जीत लिया ता समझो असी सारी दुनिया ते ही जीत हासिल करे। ए तुक दा मीनिंग सी, ठीक है। ए तुक किदी लिखी हुई है, श्री गुरु नानक देव जी लिखी बाणी जपजी साहिब दे विचों लई गई है। बेटा इस भी कहा गया है कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सानू अपनिया इच्छावां ते काबू पाना चाहिदा है, ठीक है। एक इंसान आज इन्ना ताई दुखी है क्योंकि उस कोलो सारा कुछ होने के बावजूद भी जिहड़ी इच्छावां है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ठीक है। चाहे परमात्मा ने बहुत सुंदर शरीर दिता है, ठीक है, तन दौलत दिती है, माता पिता दिते, भैन भरा दिते हैं, पर फिर भी वो इंसान क्यों दुखी है, क्योंकि उस दियां इच्छावां खत्म होने का ना ही नहीं ले रही। फर्स्ट हेडिंग एक बार जान पहचान, फर्स्ट सीखो परमात्मा दी बनाई हुई दुनिया विच है, परमात्मा दी बनाई हुई दुनिया विच है मनुखी जीवन सब तो अनमोल दात है। परमात्मा दी बनाई हुई मनुखा सब तो अनमोल दात है। परमात्मा दी बनाई हुई दुनिया दे विच मनुखा जीवन सब तो अनमोल दात है। ये भी पहले जान पहचान में आया। हाँ, इच्छावां खत्म होंदा नाम ही नहीं ले रहा, या उस दियां इच्छावां दिन प्रतिदिन बदलियां ही जांदियां हन। मनुख दिया इच्छावां दिन प्रतिदिन बदलियां ही जांदियां हन, जिस कारण इंसान अपनी जिंदगी विच दुख भोगदा है, जिस कारण इंसान अपनी जिंदगी विच दुख भोगदा है Thank you.
नेक्स्ट है सुख का अर्थ। मन जीते जग जीते दुख श्री गुरु नानक देव जी दी श्री गुरु नानक देव जी दी लिखी हुई पानी श्री गुरु नानक देव जी की वाणी जपति साहिब जपति साहिब जो ली गई है जिसका अर्थ है कि जे असी अपने मन नु जीत लिया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। नेक्स्ट है मन ठीक है समझती है नेक्स्ट है फॉर रेडी मन साडे दिल दे अंदर हुंदा है। मन साडे दिल दे अंदर हुंदा है जिस नू असी ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मन दे कहन अनुसार ही करदे हां पर असी जो भी काम करदे हां ओ मन दे कहन दे अनुसार ही करदे हां। मन ही सानू काम करन लई प्रेरदा है। मन ही सानू काम करने लई प्रेरदा है या प्रेरित करदा है। मन ही साडे हथा पैरां नू काम करन दी ताकत दिंदा है। मन ही साडे हथा पैरा दिल दिमाग नू काम करन दी ताकत दिंदा है। हुण जे तुहाडा मन नहीं है तुसी पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। जे मन है तां पढ़ोगे बेटा। पढ़न लई भी मन बनाना पैंदा है। जे जीवन दे भी तरक्की हासिल करना चाहते हो तो अपना मन बनाओ कि असीं पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास भी स्कूल ही प्रेजेंट होता ताई फायदा जी थोड़ा मन होएगा पढ़न दे। काम करन दी ताकत दिंदा है पर मन ही नहीं है। नेक्स्ट लिखो भी है बेटा पॉइंट मन की है।
नेक्स्ट है मन दी चंचलता। मन दी चंचलता, चंचलता का मीनिंग है जिहड़ा कदी टिक के ना बैठे। चंचल का मीनिंग है जिहड़ा कदी भी टिक के ना बैठे। मन चंचल हुंदा है, इह कदे टिक के नहीं बैठदा। मन चंचल हुंदा है, कदे टिक के नहीं बैठदा। मन हवा नालों भी तेज दौड़दा है। मन हवा नालों भी तेज दौड़दा है। एक पल या एक घड़ी विच ही साडा मन, एक पल या एक घड़ी विच ही साडा मन किते दा किते पहुंच जांदा है। एक पल या एक घड़ी विच ही साडा मन किते दा किते पहुंच जांदा है। जिवें बेटा एट प्रेजेंट असीं स्कूल दे विच आ, पर साडा मन किते होर है। एक सैकंड दा भी घट समा लगदा है। ठीक है, भाव की इह हवा नालों भी तेज दौड़दा है। ठीक है, एक पल या एक घड़ी दे विच ही इह किते दा किते या दूसरी दुनिया तक भी पहुंच जांदा है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट है, नेक्स्ट लिखो मन ते काबू पाउन दी लोड़। नेक्स्ट हेडिंग मन ते काबू काबू पाउन दी लोड़। हुण सानू अपने मन ते काबू क्यों पाना चाहिदा है। सानू अपने मन ते काबू पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सानू अपने मन ते काबू पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मन दिया इच्छावां दे करके ही इंसान दुख तकलीफ भोगदा है। मन दिया इच्छावां करके ही इंसान दुख तकलीफ भोगदा है। उसकी एक इच्छा पूरी हुंदी है, उसकी एक इच्छा पूरी हुंदी है ते दूसरी इच्छा जाग उठदी है। उसकी एक इच्छा पूरी हुंदी है ते दूसरी इच्छा जाग उठदी है। चाहे परमात्मा ने एक इंसान नूं तंदुरुस्त शरीर दिता है, चाहे परमात्मा ने इंसान नूं या मनुख नूं तंदुरुस्त शरीर दिता होवे, सोना घर परिवार दिता होवे पर फिर भी इंसान पर फिर भी इंसान दूजिया वाल देख के परमात्मा नू यही कहंदा है कि परमात्मा तू मैनू ए चीज क्यों नहीं दित्ती या तू मेरी ए इच्छा पूरी क्यों नहीं कीती। चाहे इंसान नू परमात्मा ने एक तंदुरुस्त शरीर दिता है,
सोना घर परिवार दिता है पर फिर भी इंसान दूसरे वालों देख के यही कहता है कि परमात्मा कि तुसी मैनू ए चीज क्यों नहीं दिती। हाँ सुखमनी सर बाबा फरीद जी दी। हाँ बाबा फरीद जी लिखी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है, चार गवाया हंड के चार गवाया सम हैगी लगी। हाँ लिख सकते जिस कारण इंसान सारी जिंदगी दुख सारी जिंदगी दुखी रहता है, जिस करके इंसान सारी जिंदगी दुखी रहता है, लिखो सारी जिंदगी दुखी रहता है, नेक्स्ट लिखो इच्छावां दा त्याग, इच्छावां लोड़ा नेक्स्ट है इच्छावां दा त्याग। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी बाणी विच नानक देव जी ने भी अपनी बाणी विच यही समझाया है इच्छावां दा त्याग। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी बाणी विच यही समझाया है कि सानू परमात्मा दी रजा विच खुश रहना चाहिदा है या जो कुछ भी रजा विच जो ने दिता है, ठीक है, परमात्मा दी रजा विच खुश रहना चाहिदा है या जो कुछ भी परमात्मा ने दिता है उसका शुक्र गुजार करना चाहिदा है। कि परमात्मा तुसी मैनू एक तंदुरुस्त शरीर दा दिता, सोचन दी शक्ति दिती, हथा नाल काम करन दी ताकत दिती, एक सोना घर दिता या परिवार दिता, जे इंसान अपनी जिंदगी विच सुख भोगना चाहता है या सुखी रहना चाहता है, ता सानू बाबा फरीद जी दी दित्ती हुई सिख्या, ते चलना चाहिदा है। फरीदा रुखी मिसी खाए के ठंडा पानी पी देर पराई चौपड़ी ना तरसाए जी। ठंडा पानी पी देख पर आई चोपड़ी ना
दर्शाए जी फरीदा रुखी मिसी खाए के ठंडा पानी पी देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी भाव की फरी जी कहते हैं कि सानू परमात्मा ने जो रुखी मिसी रोटी दिती है भाव की जो भी दिता है ठीक है ओनू खा के खुश रहना चाहिए है। देख पराई चोपड़ी दूसरिया दी चोपड़ी हुई रोटी नू देख के दूसरिया दी शानो शौकत नू देख के अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए ठीक है बेटा अपना हिरदा या अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए। नेक्स्ट लिखो हेडिंग लिख लो हिंसा नाल संसार नू नहीं जीतिया जा सकता हिंसा नाल हिंसा मतलब लड़ाई ठीक है हिंसा नाल पाप की लड़ाई दे नाल असी सारे संसार दे जीत हासिल नहीं कर सकते। हिस्ट्री तुसी पढ़िया होना बेटा सिकंदर वाला पढ़िया बेटा हिस्ट्री च हिस्ट्री सिकंदर बारे पढ़िया नहीं सिकंदर जो पूरी सिकंदर लिख लो एग्जाम्पल सिकंदर जो पूरी दुनिया नू ही सिकंदर जो पूरी दुनिया नू ही जीतन दा सुपना लेके आया सी हाँ सिकंदर बेटा सिकंदर पूरी दुनिया नू ही गौरव जीतन दा सुपना लेके आया सी इसलिए उसने बहुत सारिया लड़ाइया लड़िया अते जीत हासिल कीती पर फिर भी ओ पूरी दुनिया ते जीत हासिल नहीं कर पाया ते जदों उसकी मौत हुई ता ओ खाली हाथी वापिस गया जदों उसकी मौत हुई ता ओ खाली हाथी वापिस गया भाव जे असी मरण तो बाद भी जे असी मरण तो बाद भी लोका दे दिला दे विचे जे असी मरण तो बाद भी लोका दे दिला विचे जीत हासिल करना चाहते हाँ या जिंदा रहना चाहते हाँ मरण तो बाद भी जे असी जिंदा रहना चाहते हाँ ता सानू लोका दा दिल जीतना चाहिदा है दिल जीतन ले सानू किसी तरह की लड़ाई झगड़े की लोड़ नहीं सिर्फ सानू मिठा बोलना चाहिदा है निम्रता धारण करनी चाहिदी है ते गुरु नानक देव जी दी लिखी हुई बाणी दे आधार ते गुरु नानक देव जी दी लिखी हुई बाणी दे आधार ते चलना चाहिदा है मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत गुरु जी ने भी अपनी बाणी च किया कि मिठत नीवी नानका लिख करवाया ना ऐसे उच लिखना ठीक है मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत
ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਾਦ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, 7-8 ਪੁਆਇੰਟ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁੱਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖ ਆਵੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰਾਂਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਖ ਆਵੇ ਤੁੱਕਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸੇਮ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਖ ਆਵੇ ਤੁੱਕਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸੇਮ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਿਠਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮਿਠਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ
असी एक आदर्श जीवन जी सकांगे जिस व्यक्ति विच ए सारे गुण आ जाते हैं ओ व्यक्ति आदर दा पात्र बनता है जिस व्यक्ति विच ए सारे गुण आ जाते हैं ओ व्यक्ति आदर दा पात्र बनता है अजिहा व्यक्ति ना केवल अपने मन नू खुश करता है सगो दूसरिया नू भी खुशी दिंदा है ये सारा जीवन सुख भोगदा है।